नमस्कार, मैं इस्लामुद्दीन खान, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। ठाणे जिले के अंबरनाथ में सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान रामदास आठवले को एक व्यक्ति ने थप्पड़ मारने की कोशिश की घटना सामने आई है। आरपीआई प्रमुख रामदास आठवले ने इसके लिए पुलिस को जिम्मेदार ठहराया है। रामदास आठवले ने कहा है कि पुलिस ने उचित सुरक्षा मुहैया कराई होती तो हमलावर मुझे निशाना नहीं बना सकता था। मेरी लोकप्रियता बढ़ रही है इसलिए मुझे निशाना बनाया जा रहा है। इस घटना की खबर जैसे ही सामने आई, रामदास के समर्थक विरोध प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतर गए। मुंब्रा में भी आरपीआई के ठाणे जिला सचिव बापू मखरे और बड़ी संख्या में समर्थकों ने रामदास आठवले पर हुए इस हमला का विरोध अंबेडकर चौक पर किया। साथ ही मुंब्रा के सीनियर इंस्पेक्टर किशोर पासलकर को इस बारे में ज्ञापन भी सौंपा। दलितों के जो हृदय सम्राट है और सेंट्रल मिनिस्टर हमारे जो नेता है, रिपब्लिकन पार्टी के नेता है रामदास जी आठवले साहब, अमरनाथ में उन पे जो अटैक हुआ उसके बारे में हमने आज पूरे देश भर में जो निषेध का प्रोग्राम है, तो जिन्होंने ये किया उसका निषेध करने के लिए हम लोग यहाँ पे जमा हुए हैं। उसी टाइम हमने गवर्नमेंट से बात की थी, हमारे पूरे समाज ने डिमांड किया था कि उनको जेड प्लस सिक्योरिटी देना चाहिए। आज दुर्भाग्य की बात है कि सेंट्रल मिनिस्टर जैसा हमारा नेता अगर सुरक्षित नहीं हो रह सकता है तो हम जैसे गरीबों का हाल क्या होगा। आठवले साहब को डैमेज करने के लिए आने वाले लोकसभा विधानसभा का नजरिया देखकर उनको सुपारी दिए कि ये नेतों को डैमेज करो। एक बात रखी थी कि जो मराठा आरक्षण जो 16% मिला है तो वो 16% आरक्षण गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया, मगर वो कोर्ट में टिकेगा क्या नहीं, ऐसा साहब ने एक स्टेटमेंट दिया था। शायद उसका भी एक ये हो सकता है, हमारे लिए बाबा साहब के बाद में अगर कोई सेंट्रल मिनिस्टर बना तो आठवले साहब है, उनकी संरक्षण की जवाबदारी गवर्नमेंट पे, तो उनको जेड प्लस संरक्षण देना चाहिए। क्योंकि अभी जेड प्लस बोल रहा हूँ मैं, जेड संरक्षण अभी है, जेड सिक्योरिटी होने के बाद भी उन पर अटैक हुआ है तो जेड प्लस दीजिए। जब बाकी नेताओं को मिलता है तो आठवले साहब को क्यों नहीं। जितने भी विरोध करने वाले लोग हैं सब रामदास आठवले की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। दरअसल ये घटना तब हुई जब केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले भाषण देकर मंच से नीचे उतर रहे थे, उसी वक्त युवक प्रवीण गोसावी ने धक्का देकर थप्पड़ मार। घटना के बाद आठवले ने शांति बनाए रखने की अपील की। वहीं इस घटना के बाद अंबरनाथ बंद का आह्वान किया गया था। निगरानी के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रही। फिलहाल विरोध करने वालों ने शांतिपूर्ण तरीके से विरोध किया, कहीं से भी अप्रिय घटना की खबर नहीं है। तो देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।